लड़की के ऊपर बात हुई थी, लड़की के ऊपर कोई केस डासियों के साथ थी, उन लड़कों ने काट दिया मेरी माँ। डासी ले रहा कोई तलवार ले रहा कोई चक्कू ले रहा, मेरी माँ का तो सारा मगज निकाल रखा था। ये फोन की देखो मतलब पूरे परिवार पे हमला किया गया, पूरा परिवार पे हमला कर। बताओ पूरा मामला। नमस्ते जी, नरवाना साहब से हूँ जी। मेरे साथ नाइंसाफी की गई है जी। ये मेरा घर आप देख सकते हो जी, मैं इस घर का बड़ा पोता हूँ। और ये मेरी दादी जी थी, मेरा माँ बाप भी नहीं है जी। इसे ना मैं पाड़े पड़ोसिया डंडासियों के साथ जी, उन लड़कों ने काट दिया मेरी माँ को। उसकी कितने तारीख का मामला है? ये 3 तारीख का। कितने बजे का? ये 9:30 बजे का। आप थोड़ा इधर आ जाओ जी। 9:30 बजे का जी ये मामला। अंदर बढ़ के हुआ था जरूर के उस दिन हुआ के था आखिर वो सारा जो भी है। ये तो खाना पीना खा के सो रहे थे अपने। एक बंदा आया फलाना दी गड़क वाड़ खुलवा भाई हमने बात करनी है। ये न बोले भाई हाथ जोड़ लिए न पैर पकड़ लिए, भाई तुम अपने घर जाओ हमने कोई बात नहीं करनी है। फिर भी नहीं माने आके ना, फिर वहाँ पीछे 15 बंदे इकट्ठे कर रखे थे वहाँ। कोई गंडा सी ले रहा कोई तलवार ले रहा कोई चक्कू ले रहा, मेरी माँ का तो सारा मगज निकाल रखा था बाहर। वो तो पोस्टमार्टम वाले ने भी पता चल गया, यहाँ से हाथ कट रहे माँ के सारे, इसके मार रखी है पीछे भी टाके आ रहे आगे भी टाके आ रहे। उनके पास गंडासी थी, तलवार थी, चक्कू थे, और ये जो ब्लॉक नहीं होते ये वाले ब्लॉक, इन ब्लॉकों से वार किया गया। अंदर भी दीवारों के ऊपर भी खून देख सकते हो आप आगे ना, इतनी बुरी तरह से इनको मार, पूरा कुंडबा को मार के गए। इनके हाल देखो, इनके हाथ दिखा, ये खून की, ये खून की देखो, मतलब पूरे परिवार पे हमला किया गया, पूरा परिवार पे हमला करा गया। और इसके ये देखो ये पैर पे सारी जगह, और वो मेरा चाचा उठ नहीं सकता, उनके आगे पर्दे पे चोट मार रखी है, ईंट मार रखी है, बहुत बुरी तरह से वो बाथरूम भी नहीं कर सकती। पहले ही शादी से रच रखी थी, पहले रच रखी थी जी, पहले रच रखी थी उनने शादी थी कि भाई हमने हमला करना है। और इसको बार बार धमकी दे के गए हैं, अब तेरे को मार के छोड़ेंगे क्या पता। अब भी मिल रही है, अरे देखो इसके ऊपर क्या वारदात है, क्या बात है। इसको गोली है ना, गोली नींद की गोली खुआ के इसको नशे का इंजेक्शन लगाया गया। किसे टाइम में मैं आपको फोटो नहीं, मेरे पास में फोटो दिखाती, इसकी फोटो देख के आप जैसा लंबा डिंगा था वारी जाओ मेरे भाई पर, और आज इसकी शिकल देख लो किसी कर रखी है। मतलब अब भी लगातार है जो धमकियां मिल रही है उनकी तरफ से, अब भी नहीं है उनमें से गिरफ्तारी होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये 2 साल का मामला है जी, लड़की के ऊपर बात हुई थी, लड़की के ऊपर कोई केस चला था। वो तो कौन सा नंबर था रे, वो 100 नंबर वाला था। जब जब ये चली थी उसके ऊपर बात हुई थी, तो उनकी लड़की हमारे मेरे भाई के पास आ गई थी। हमने भाई कुछ नहीं रोड़ा करा, कुछ रब्ता नहीं करा, हमने कहा भी अपनी बेटी को ले जाओ आके ना लेके। उनने यह खैस काटी ने कि हम तुमसे 2 साल का बदला पीछे वाला बदला अब निकालेंगे। वो कह रहे भाई हम तुमने मार के छोड़ेंगे, हम रहने नहीं देते इस घर में, अब आगे के लिए भी धमकी दे रही है। हां जी धमकी है, आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई भी, ऐसे ऐसे भी फोन आ रहे हैं। ने भी सबने भाई अब सुनाई करी है भाई, देखो उनके ऊपर बात छोड़ रखी है। कल एफसी साहब से भी क्या कहा है, एफसी साहब ने दो दिन का टाइम दो, अच्छा हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई सबको रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम संस्कार करेंगे। और बकरे बने हैं पूरा, आप पास में आ जाओ, जो भी बोले पास में आ जाओ, एक एक बोलते दूर से आवाज नहीं आएगी ना अपने। यहाँ वारदात करने के बाद जितने बंदों ने यहाँ वारदात करी है, यहाँ वारदात करने के बाद उन्होंने फिर पार्टी करी है, पार्टी करने के बाद 2-2.5 किलो मीट बना के बोतले मांगे और अच्छी तरह पार्टी करी, भाई हमने मार दिया मानस। आपको कैसे पता कि उन्होंने पार्टी करी है? देखो ये मेरे घर की सदस्य है, कहाँ पर पार्टी की थी उन्होंने, पीछे ये कर रहे हैं। और पुलिस को ये मामला था जब हुआ था, पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, आपने बता दिया था भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, उसके बाद आपने बताया कि पार्टी भी कर रहे हैं वो लोग। वो तो ये अगर वो चले गए थे उसके बाद ये कर रहे सर, ये कर रहे देखो यहाँ ऊपर से इटे, यहाँ ऊपर से इटे आई है, जो लोकेशन है दिखा दे रही है, ये ऊपर से इटे आई है, मैं किसी से डर के नहीं कहूंगी। हाँ जी ये मकान है, ऊपर से आई है ईटे, और ये क्या नाम है ईट ऊपर से फेंक के ब्लॉक फेंक की है, आप देख सकते हो अंदर खून के भी निशान है दीवारों के ऊपर, ये सारा बुरा हाल मचा रखा है, ये तोड़ फोड़ के इन्हें इसकी बदली गई, इन्हें मारी गई, कौन का शर्ट दिखावा, एक की हत्या होती है, ये ज्यादा बोल नहीं सकता, इसका सिर में चोट है इसके, हाथ जोड़ू जी पैर मैं जो ये बंदे के मुबारक के नाम है, और जो से दो रह रहे हो जो उन्हें एक लाख हाथ लगाया
निकालना फिर मेरा जी बना देंगे सिस्टम, मैं कहाँ जाऊंगा जी, कहाँ बच्चा जाऊंगा, कहाँ घर वाले जाओगे, मैं तो मैं ही रह गया, माता पिता तो मेरे भी नहीं है। सजा मिलनी चाहिए जी। तिरंगा में भी तीन रंग दिए गए, सबसे ज्यादा बेस्ट रंग आपने पता है जी कौन सा है, इज्जत राख दियो, गरीब आदमी हूँ जी मैं, बिना माँ बाप का बालक ये देख सकते मार रहे, मारा तो गई कदे मार दियो मना, लेकिन कानूनी कार्रवाई है। वो आपके क्या लगते थे? वो मेरी दादी थी, आपकी दादी थी, दादी की हत्या हो गई है, उनके अलावा कितने बंदों को, आपके परिवार वालों को चोट लगी? मेरा भाई खड़ा है जो इसका लग रही है, पैर पर मार रखी, छाती में मार रखी, सामने आ जाओ, ब्लॉक मार रखी, नीचे आ जाओ, दवाई भी खाई एक आते वो मार को, फिर भीतर जाएंगे हम तो, इतर जाते नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं दो को मारेंगे। आपने कल 10 बजे इस भाई को पकड़ा है, आपने पुलिस में दोबारा वो रिपोर्ट करा कि ऐसे ऐसे दोबारा पकड़ा गया? मैंने इनको बताया नहीं, मैं ज्यादा रोला बता गए मैं, इसलिए क्यों ये आपके घर पे एक हत्या होती है आपको पता है? इससे ज्यादा मामला क्या बढ़ेगा आपको पता है? बाबूजी ये अगर हुआ जा रहे थे, कल्ला था मैं, ये अकेला था, मैं इसलिए नहीं बोला, अकेला आदमी क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, अकेला आदमी कुछ कर सकता है? आप कर लोगे? पुलिस में रिपोर्ट आपने दी या नहीं दी? दोबारा हमारे बंदे को पकड़ा, पुलिस वाले मेरे भाई के थप्पड़ मारते हैं, वाली बात नहीं बाबूजी, बीपीएल राशन कार्ड है, नरवाना शहर है, शहर में बैठे हैं तो आपकी वजह से बैठे हैं, निका दे के मार दे मारने वाले तो, लेकिन मेरी लिहाज मारन लग रही है, इनकी कार्रवाई तो करवा अभी किसी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? अभी लग तो मेरे से नहीं कर गए, एक पकड़ रखा है, डाल डाल का भेज रहे हैं, कहीं चुरा रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, नहीं नहीं जी वो नहीं कह रहे, बिट्टू को पकड़ रखा है। कितने जने थे रवे? कितने लोग थे वो? 10-11 जने तो ये मौका पे थे जी, और इनके हर बार खड़े थे, उनका तो गिनती नहीं थी, उनके मार दे रहो, और अपनी उनसे पूछ दे रहो कितने बंदे थे, वो बतावेंगे ना, वारदात के टाइम पर तो अंदर 8-9 जने खड़े थे, बंदे और नीचे फर्श पर गिर गिर के मारे हैं, लोग आए का हाथ पकड़ पकड़ का खींचा बाहर, गंडासी किसने मारी है पहले तो नाम बता दे। सूरज नाम है, सूरज नाम है, अरे उसका उसका मामू वाला छोरा का क्या नाम है? अजय नाम है जी, एक अजय नाम है, अरे गुल्लू है जी, यूट्यूब पर करके कौन सा चैनल है जी, वीडियो देखी मैंने, नू करके शर्ट काट कर जींस की पैंट पहन के नू खड़े करके हो के आ रहा, वो कुकर आ रहा है, कहाँ है वो धरती खा, जिस टाइम आप वहाँ वीडियो बना रहे थे ना, वो पीछे खड़े थे, देखा थे भाई हमारा क्या कर लेंगे, कॉलर उठा उठा के ना ऐसे चौड़े हो के ना, और बात नहीं मतलब थाने के आसपास ही थे आपने देखा था? हाँ जी देखा था, ऐसे कॉलर उठा उठा के, बताया कि वो बंदे हमने यही देखे हैं अभी भी, पुलिस आपका सामने डेड बॉडी तो लेके खड़े हैं वो सामने, फिर वह बात पछे, जैसे आज का दिन आया आपने दोबारा जाना चाहिए था क्योंकि इनका मोबाइल खो गया, दोबारा ये किसी काम से गया, इसके सिर में दर्द हो रहा था तो ये दवाई लेने गया, तो पुलिस वाले की जिप्सी मिली तो इसको इलाज तो मेरा भी होना, गरीबी तंग कर रही है जी, कहाँ से लाऊं मैं 8-10 हज़ार रुपए, 7-8 हज़ार रुपए तो मैं मेरी दादी पे लगा के बैठा हूँ, वो फिर भी डेथ होगी, इसका इलाज तो जी होगा ना, इसका भी खर्चा बना रखा है, ये सीरियस है, ज्यादा बोल नहीं सकता ये, ज्यादा ऑपरेशन बोल रखे मेरे पैर तोड़ रखे, ये देखो पैर भी सारा तोड़ रखा है, हड्ड टूट रहा है, ऑपरेशन बोल रखा है इसका भी, पुलिस ने आपको सिक्योरिटी देने का कल आश्वासन दिया, सिक्योरिटी भी कल आए थे कल, उसके बाद नहीं आए हैं, सिक्योरिटी का बात हुई थी कल, अब PCR यहाँ पे खड़ी करी गई, इसका मतलब तो ये हो गया अगर कोई सामान लेने जाए तो उसका भी खतरा है, अब हमने कोई PCR नहीं खड़ी क्योंकि पुलिस वाले ने ये बात कही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो घूमने, चलो अपने घर जाओ, तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते, फिर तो वो ऐसे मतलब पुलिस की तरफ से आप पे पाबंदी लगाई गई है कि बाहर भी नहीं निकले, घर में ही रहे, दवाई लेना, कही थी हम गाड़ी खड़ी करवा दे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, SP साहब ने बोला था, बोला था आपको सिक्योरिटी देंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अब क्या आपके परिवार की मांग क्या है? मांग ये जी गुनागार है वो पकड़े जाए, गुनागार ने पकड़ो उनको सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा दे उन्हें, हम तो बस यह चाहवा जी, कल पुलिस का कहना था कि कुछ बेगुनाहों के नाम लिए गए हैं, क्या सही है बात? नहीं कोई बेगुनाह कोई नहीं है जी, हम तो कुछ नहीं कहा, आप उनका मार दे रहो, हाँ भरवाते रहो, वो तो अपने आप ही हाँ भर लेंगे, अपने आप जितने बंदे थे ना जिनने ये मुर्गे खाए चिकन खाई वो अपने आप पलटी आड़े अपने आप हाँ भर लेंगे, क्योंकि खून करे जाओ पलटी लिया जाओ, हम भी एक एक उनके घर में से मार देंगे, हम भी पलटी दे देंगे, फिर अपने बंदे मरवा लो, एक बहुत ज्यादा थी मेरी माँ के हाथ पैर सारे काट रखे जगह जगह तक, यहाँ
भी लग रहे हैं, खुद मैं पास थी मेरी माँ का, यहाँ से भी हाथ कट रहे हैं, वीडियो में दिखा, मेरा फोन दिखा, ले फोन दिखा, मेरा माता में पास टांके चार टांके आ रहे हैं, ये उड़ा है पांच चार उड़ा रहे हैं जी, मेरा फोन दे, गदड़ देसी डर पड़ा, दोबारा फिर मैंने उठा, दोबारा फिर ठोक के मेरा, फिर भी मैं बच गया, फिर एक बार ओटो के तीन बार करा के मेरे लगे डासी के बाबू जी, बिरयानी में कुकर बच गया, किसका लिया दी आग आ रहा है, जब मारना तो मैंने सारे मारो है तो थोड़ी सी, जिस टाइम रोहतक से रेफर किया गया उस टाइम का ये कंडीशन थी इसकी, मैं से रेफर करा था ना, ये देख लो वीडियो, रुक जा, खून दिखा दिया, इनने खतरा, इसका मतलब हम बैठे हैं ना, इतना तो है प्रोस्टिक ना भाई, हम बैठे हैं इतना, हमारा जाने का बात तो फिर इनने भी मार देंगे, बहुत तो मुंह में एक और बात बताओ, अगर कितने दिन का आपने टाइम दिया है, अब 10 दिन, एसपी साहब ने 2 दिन का टाइम दिया, हमारे लिए टाइम दिया था, अगर 2 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर क्या करोगे, हमारे अनिल बिजू के पास पेश होएंगे सभी, हाँ जी हम आगे जाएंगे, रोड जाम करना पड़ेगा तो रोड जाम भी करेंगे, हम अकेले नहीं है जी, ये कह रहे हो अगर 2 दिन बाद ये कार्रवाई नहीं तो आप रोड भी जाम कर सकते, बहुत बड़े पद्धर पर रोड जाम करोगे, हाँ जी रोड जाम, जैसे मानस नहीं मरवाए जाते बार बार, ठीक अब तो हम है सब, हमने भी अपना काम धंधा संभालना, फिर इनके बाद ये फिर इन मारेंगे घर में बड़ बड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इनके 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन देखते नहीं, अनिल के पास पेश होंगे, आगे से आगे जहाँ तक पहुँचोगे ना वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, इंसाफ होना चाहिए बस हमारे साथ, आरके में जी मोदी सरकार ने करा क्या बेचारा ने सानू उसका मैं भला मानू जी, जो इन कानून बना रखे उनकी इज्जत राख दो जी, आज सर आओ, दस से 12 बंदे आते हैं और वो इस परिवार पे हमला करते हैं, ये देखो भाई ये ईंटों के निशान है, तलवारों के निशान है, गंडासियों के जो निशान है, ये तलवार और गंडासियों के साथ पत्थरों के साथ इस घर पे हमला किया गया, पुलिस वाले ने कौन सा है, पुलिस वाले भी बोले यहाँ से ये जो खून पड़ा ना इतने इतने बड़े बड़े गोटे पड़े हैं, बोले इनको साफ करो भाई, हटाओ इनको यहाँ से, ये दिखने नहीं चाहिए दोबारा, पुलिस वाला ने कहा भाई ये जो खून के छींटे पड़े हैं ना इनको साफ करो, मेरे भाई को तो ये वाला इसने फिर ये थोड़ा बहुत यहाँ से साफ करा, क्योंकि उनने कहा और जो वो खून के बोटे पड़े थे वो खून के बोटे उन्होंने उठवाए, बोले इनको उठाओ, क्योंकि जो माँ का जो सारा दिमाग का था ना वो सारा बाहर निकले, आपको डर है कि आगे भी हमला हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, अब तो हम है, हमने भी अपना काम संभालना है, बाद में तो इन पर हमला होना है,